हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास वन लुमिनस मेंटर्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो यू हैव डन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 रिवॉन्ट एंड द पैरट। हमने चैप्टर पढ़ा था ना रिवॉन्ट वाला जो पैरट के साथ, तो आज इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, रीड एंड आंसर। चलिए क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं और आंसर भी मैं लिख दी हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी में और रिमेम्बर भी कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पैरट वांट टू ईट। तोता जो था वो क्या खाना चाहता था, तोता क्या खाना चाहता था, राइप ग्वाभा, रूह के पेड़ का। तो आपको आंसर में लिखना होगा द पैरट वांट्स टू ईट राइप ग्वाभा ऑन रूहू ट्री। रूह के पेड़ का पका पका जो अमरूद था वही खाना चाहता था वो, पका ग्वाभा। इन द सेकेंड क्वेश्चन व्हाई डज रिवॉन्ट ओपन द केज। रिवॉन्ट है ना वो केज का दरवाजा, केज का डोर रहता है, वो क्यों खोल देता है पिंजरे में से, वो उस पैरट को क्यों आजाद कर देता है। बिकॉज द पैरट डज नॉट वॉन्ट टू लिव इन द केज। आंसर इसका होगा कि तोता वो केज में पिंजरे में नहीं रहना चाहता था। सो रिवॉन्ट ओपन द केज, इसलिए रिवॉन्ट ने दरवाजा खोल दिया पिंजरे का। इन द थर्ड क्वेश्चन द क्वेश्चन इज इज द पैरट हैप्पी इन द एंड। क्या तोता एंड में हैप्पी था, तो यस तोता क्या था, हैप्पी था। यस द पैरट इज हैप्पी इन द एंड। क्यों हैप्पी था, बिकॉज रिवॉन्ट ने उसे फ्रीडम दे दिया था, मतलब उसे फ्री कर दिया था, केज से बाहर निकाल दिया था, इसलिए वो बहुत खुश था। फोर्थ में है क्वेश्चन गिव टू रीजंस वाई द पैरट वॉज एंग्री। आपको दो रीजन लिखना है कि पैरट क्यों एंग्री था। पहला आंसर हो सकता है बिकॉज ही इज इन द केज, क्योंकि वो पिंजरे में था इसलिए। एंड सेकेंड में ही इज मिसिंग रूह, वो रूह को भी मिस कर रहा था इसलिए। ये आपका फोर क्वेश्चन है, अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और रिमेम्बर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ या फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।